दोस्तों फिर हम बात करेंगे हाई स्ट्रीट के हाई कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, एंट्री लेवल्स और आने वाले दिनों आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। करेंटली कॉइन 1.8 USDT पर ट्रेड कर रहा है। कल हमने एक अच्छा खासा डंप BTC और ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में देखा और उस वजह से इस कॉइन में भी एक बड़ा डंप देखने को मिला है और एक अच्छे लेवल पर ये कॉइन आ गया है जिस लेवल का हम वेट कर रहे थे। तो इस कॉइन में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। जो भी इस कॉइन में एंट्री देख रहे हैं उनके लिए बात करें कौन से आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट्स रहेंगे और आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नज़रें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर स्ट्रेटजी शेयर की जा सके। चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपने क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। करेंटली कॉइन 1.8 USDT से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये 15 मिनट का चार्ट ओपन है। अभी अगर देखें तो कल हमने बड़ा डंप देखा, प्राइस जो है 1.63 तक इस कॉइन की हमें देखने को मिल गई थी। डेली का चार्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पर अगर देखें तो रिसेंटली इस कॉइन ने 2.3 USDT वाला लेवल ट्राई किया था। इससे पहले इस कॉइन ने 1.37 वाला लो बनाया था और वहाँ से इस कॉइन में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। बैक टू बैक मूवमेंट्स था और 1.37 से अगर बात करें मोटा मोटा 80% से ज़्यादा की रिकवरी इस कॉइन में देखने को मिली थी। पिछले महीने मई मंथ की अगर बात करें तो जब ये कॉइन इस लेवल पर ट्रेड कर रहा था वहाँ पर हमने 1.5 और 1.4 वाले लेवल पर इस कॉइन में एंट्री लेकर और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया था। 1.5 और 1.4 वाले लेवल पर एंट्री लेकर हमने ये जो 2.3 USDT वाला लेवल है इसको ग्रेप किया था। पिछला जो हमने वीडियो शेयर किया था उस टाइम पे ये कॉइन 2.2 USDT पर ट्रेड कर रहा था, अच्छे लेवल पर था और वहाँ पर हमने अपडेटेड लेवल्स आपको बताए थे कि जिन लोगों ने एंट्री नहीं ली थी, एक लेवल था जहाँ पर हमने 1.5-1.4 पर एंट्री लेकर प्रॉफिट बुक किया था। कुछ ऐसे थे जिन लोगों ने बाय नहीं किया होगा शायद, क्योंकि बहुत सारे जब डिप होती है, जब डाउन ट्रेंड होता है, जब अपोस्टी होती है तब एंट्री नहीं लेते। जब वहां से मूव कर जाता है 20% का, 30% का या 50% का मूवमेंट हो जाता है उसके बाद ऊपर वाले लेवल पर बाय करते हैं, फिर उस लेवल पर कमेंट्स आते हैं कि सर हम कहां पर बाय करें इस कॉइन को, क्योंकि उनको वहां पर लगता है कि ये कॉइन अच्छा मूव कर रहा है। तो हमने बताया था कि यहां से आपको वेट करना है, प्राइस जो है उसमें वापस ड्रॉप देखने को मिलेगा और जब प्राइस 1.8 से नीचे आती है तब आप बाय कर सकते हैं। 1.8 से नीचे जब भी प्राइस आएगी आप चाहें तो दो लेवल्स पर, जैसे 1.8 और 1.7, दो लेवल पर आप बाय कर सकते हैं। और अभी अगर देखें तो उस लेवल पर आ गई है प्राइस, हालांकि 1.63 तक चली गई थी। तो जैसा मैंने आपको बताया था, अब वो सिचुएशन क्या क्रिएट हुई है, सिचुएशन जो कल की सिचुएशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन किसी भी सिचुएशन की वजह से मार्केट में या तो करेक्शन होता है या फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, उस वजह से मार्केट में करेक्शन देखने को मिलता है। BTC में बड़ा डंप देखने को मिला, 27,000 के अराउंड से डायरेक्टली 25,300 तक चला गया था। तो BTC में भी 6-7% का डंप है, अल्ट्स क्वाइन में बड़ा 20-25% तक का डंप देखने को मिला। रीज़न था कि जो बिनांस US है उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, US के अंदर US की जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, जो एजेंसी है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ एलिगेशन लगे हैं बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड, उस पर इन्वेस्टिगेशन इशू हुआ है और इस वजह से मार्केट में बड़ा डंप देखने को मिला। हालांकि इसका इम्पैक्ट कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है और इस टाइप की जब इस टाइप का कोई फंड निकल के आता है तो मार्केट में पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है। हालांकि ये बिनांस US जो एक्सचेंज है, देखिए बिनांस का जो ग्लोबल एक्सचेंज है वो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, लेकिन जो बिनांस के US के कस्टमर्स हैं उनके लिए उसने अलग एक्सचेंज बिनांस US जो है वो प्रोवाइड करता है। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही है, जो ग्लोबल एक्सचेंज है, जो बिनांस का ग्लोबल एक्सचेंज, उस पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जैसे क्रिप्टो बिनांस के अंदर डला हुआ है या फिर आपका एसेट्स वगैरह उसके अंदर है तो उसका क्या करना है, उसे बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरा ये चीज़ें जो है ये भी सेटल हो जाएगी इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी इस टाइप की एलिगेशन लगी थी, लेकिन बिनास जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है और वो ये सारी चीज़ें जो है वो सेटल कर लेगा। तो और ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत कर रहा है, जहाँ तक लगता है सब चीज़ें जो है इस टाइप की इन्वेस्टिगेशन जो है वो चलती रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी जो रहती है उनका यही काम रहता है कि कोई इस टाइप की चीज़ें जो नहीं हो, गलत चीज़ें नहीं हो, कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग टाइप की चीज़ें नहीं हो, इन पर उनका कंट्रोल रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम हमारे लिए किया है, हमारे लिए अपोष्टी हो जाती है जब भी डंप देखने को मिलता है, जब भी इस टाइप की चीज़ें होती है तो हमारे लिए अपोष्टी निकल के आती है। इस कॉइन की बात करें तो हम इस कॉइन में अभी 1.81 के अराउंड ये कॉइन ट्रेड कर रहा है, इसमें हम एंट्री लेंगे 1.8 USD पर, यानी ऑलमोस्ट अभी जहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है एंट्री ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से चांसेस है कि यहाँ से वापस मूव कर जाएगा। थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है शाम के टाइम जब US मार्केट ओपन होगी उस टाइम पर देखने को मिल सकता है, क्या सिचुएशन रहे कि उधर की तरफ से अगर सेलिंग होगी, पैनिक सेलिंग होगी तो मार्केट में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो हो सकता है थोड़ा बहुत वापस एक सडन डंप देखने को मिले, इसमें प्राइस वापस 1.7 या 1.65 तक आ जाए तो उसको भी आपको ग्रैब करना है, या फिर हो सकता है कि यहाँ से मूव कर जाए। तो हम दोनों सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहेंगे, हम यहाँ पर 1.8 वाले लेवल पर 70% पार्ट से एंट्री लेंगे, उसके बाद अगर शाम को इस टाइप की कुछ सिचुएशन होती है तो आपको सेकंड जो है वो 1.65 वाले लेवल पर एंट्री लेनी है, जो रहेगी आपकी बाकी 30% पार्ट से, यानी दो पार्ट में एंट्री लेनी है 70-30 के रेशो में। अब यहाँ से टारगेट्स की अगर बात करें तो जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एंट्री लेंगे, यानी कि क्विक प्रॉफिट अर्न करने के पर्सपेक्टिव से, उनके लिए इमीडिएट टारगेट रहेगा 2.15 वाला लेवल, जिसको ये कॉइन इजीली ट्राई कर लेगा। जैसे ही नॉर्मल मूवमेंट होगा, मार्केट थोड़ा सा रिकवर होगा, ये कॉइन भी वापस आपको अच्छे लेवल पर 2 USD से ऊपर वाले लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। तो 2.15 वाला लेवल जहाँ पर आपको 60% पार्ट सेलआउट करना है, और सेकंड टारगेट रहेगा 2.32 वाला, जहाँ पर आपको बाकी 40% पार्ट सेलआउट करना है। इस टाइप से 60-40 के रेशो में आपको सेलआउट करना है। शॉर्ट टर्म वाले जो है उनके लिए 2.4 USD वाला टारगेट रहेगा, 2.4-2.45 वाला, जहाँ पर आपको 100% पार्ट सेलआउट करना है और प्रॉफिट बुक करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस लेवल पर आप बाय करके लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट इस कॉइन के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर हैं या फिर जो फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें, ताकि आप क्रिप्टो लॉसेस से बच पाएँ, लेवरेज ट्रेडिंग को मैनेज कर पाएँ, लिक्विडेशन से बच पाएँ, ओवर ट्रेडिंग को मैनेज कर पाएँ। वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटजी शेयर की जाएगी, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप के वीडियोज़ आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। थैंक यू।